मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। सलमान खान को शादी के कॉन्सेप्ट पर भरोसा नहीं। सलमान खान की शादी नेशनल इंटरेस्ट बन चुकी है। बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर से कई बार शादी पर सवाल किया गया, लेकिन कभी सलमान ने शादी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब सलमान का शादी पर दिया एक बयान उनके फैंस को निराश कर सकता है। सलमान खान ने कहा, मुझे शादी जैसी संस्था में विश्वास नहीं है। बीते समय के साथ समाज से शादी का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है। सलमान खान के मुताबिक शादी के बजाय उन्हें फ्रेंडशिप पर भरोसा है। जब सलमान खान से बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जब ये सब होना होगा होगा। इससे पहले एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा था कि उन्हें बच्चे चाहिए, मगर बच्चे के साथ माँ नहीं चाहिए। पति निक जोनस के साथ बोल्ड आउटफिट में पहुंची प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अक्सर साथ में बेहद हॉट अंदाज में नजर आते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा की बेहद बोल्ड तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्रियंका चोपड़ा एक इवेंट में पति निक जोनस के साथ बेहद हॉट और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर पहुंची थी। हाल ही में जोनस ब्रदर्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर रखा गया था। इस दौरान प्रियंका बेहद बोल्ड अंदाज में पहुंची। प्रियंका चोपड़ा ब्लैक कलर की वन साइडेड आउटफिट पहने नजर आईं, जिसमें एक साइड पर काफी डीप लेग कट था। इसके साथ उन्होंने नेट का इस्तेमाल किया था। नेट पार्ट इस ड्रेस को और भी ज्यादा रिवीलिंग बना रहा था। इस इवेंट के दौरान की कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें प्रियंका का लुक काफी बोल्ड लग रहा था। साथ ही उनकी कुछ ऑकवर्ड तस्वीरें भी सामने आई हैं। धनुष ने लॉन्च किया द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फकीर का ट्रेलर। मुंबई में धनुष की हॉलीवुड फिल्म द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसमें धनुष अपनी पत्नी ऐश्वर्य रजनीकांत के साथ इस लॉन्च में शामिल हुए। उनके साथ फिल्म डायरेक्टर केन स्कॉट भी शामिल हुए। फिल्म द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर और मलेशिया में 21 जून 2019 को रिलीज होगी। फिल्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर रोमैन पुएरोलस की किताब पर आधारित है और ये पेरिस में एक भारतीय सड़क जादूगर की यात्रा के आसपास घूमती है। आनंद एंड रॉय की अगली फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन। फिल्म जीरो के रिलीज के बाद फिल्म मेकर आनंद एल राय अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक आनंद एल राय ने अपनी अगली फिल्म में एक्टर वरुण धवन को साइन कर लिया है। आनंद एल राय का कहना है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं किया गया। फिल्म की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। काजोल ने ससुर वीरू देवगन के साथ शेयर की फोटो। अजय देवगन के पिता और काजोल के ससुर वीरू देवगन का कुछ दिनों पहले ही निधन हुआ है। वीरू देवगन के निधन से पूरा देवगन परिवार शोक में है। वहीं काजोल ने अपने ससुर के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। काजोल ने वीरू देवगन के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, अच्छे दिनों के दौरान की तस्वीर। इस दिन उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, मगर ये साबित करने के लिए जिंदगी भर लग गया। उन्होंने एक खूबसूरत जीवन जिया। RIP एंड लव। पढ़ने की उम्र में प्यार की पिच पर बोल्ड हुए थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को पहला प्यार स्कूल के दिनों में हुआ था। जब वो 12वीं में पढ़ते थे तो स्वाति नाम की एक लड़की पर उनका क्रश था। बहुत कम लोग जानते थे कि धोनी की प्रियंका झा नाम की कोई गर्लफ्रेंड भी थी। धोनी जब विदेश दौरे पर गए थे उस दौरान प्रियंका की एक्सीडेंट में मौत हो गई। दीपिका पादुकोण का नाम युवराज सिंह के अलावा जिसे एक और क्रिकेटर से जोड़ा गया वो माही थे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी ये आज भी एक रहस्य है। धोनी का नाम तमिल एक्ट्रेस और मॉडल लक्ष्मी राय के साथ भी जुड़ा। खबरों की माने तो लक्ष्मी राय और महेंद्र सिंह धोनी के बीच कुछ वक्त अफेयर रहा था, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। बॉलीवुड से दूरी बना चुकी असिन का नाम धोनी के साथ उस वक्त जोड़ा जाने लगा जब दोनों एक ही ब्रांड के एम्बेसडर बन गए। MS धोनी और प्रीति सिमोन का भी नाम कई बार चर्चा में आया, लेकिन दोनों ने कभी इस रिश्ते पर बात नहीं की। कोलकाता के ईडन गार्डन में जब भारत पाकिस्तान मैच के दौरान धोनी की साक्षी से मुलाकात हुई थी, 2010 को महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी दोनों शादी के बंधन में बंधकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए थे। अनुष्का से लेकर साक्षी तक भारतीय वर्ल्ड कप के खिलाड़ी की हमसफर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा ने अपने पति को चीयर करने के लिए स्पेशल तैयारियां की। अनुष्का मैच के दिन खुद की कार से गईं। इसके अलावा स्टेडियम के आने जाने का खर्चा भी खुद उठाया। रोहित शर्मा की वाइफ रितिका भी अपने पति का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंची। शिखर धवन की वाइफ आयशा धवन भी पति को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंची। दिनेश कार्तिक की वाइफ दीपिका पल्लिकल मैदान में कम ही स्पॉट होती हैं, हालांकि वो सोशल मीडिया पर हमेशा अपने पति का हौसला बढ़ाती हैं। रविंद्र जडेजा ने रिवाबा से साल 2016 में शादी की थी। रिवाबा भी स्टेडियम में पति को चीयर करने पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ साक्षी धोनी हर मैच में उन्हें सपोर्ट करती हैं। साक्षी के अलावा धोनी की बेटी जीवा भी मैदान में अपने पापा को चीयर करने पहुंची।
गुरदासपुर से गायब है सनी देओल, नाराज हुए लोग। एक्टर से पॉलिटिशियन बने सनी देओल ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक हॉलीडे वीडियो शेयर किया, लेकिन सनी देओल का ये वीडियो पंजाब में गुरदासपुर के लोगों को पसंद नहीं आया। अब इस वीडियो के चलते सनी देओल को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। वीडियो देखने के बाद लोग सनी देओल को याद दिला रहे हैं कि चुनाव क्षेत्र यानी गुरदासपुर में बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। यूजर सनी से पूछ रहे हैं कि आप घर वापस कब आ रहे हैं, गुरदासपुर में बहुत काम पेंडिंग है, गुरदासपुर कब आ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं भाई। वहीं एक यूजर ने सनी के बचाव में कहा वो अपने बेटे के लिए मुंबई में बिजी हैं, तो आशा है कि जल्द ही आ जाएंगे। सनी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गुरदासपुर गए हैं या नहीं, इसको लेकर जानकारी नहीं आई है। इस बॉलीवुड डायरेक्टर के पास नहीं है एक भी कार। बॉलीवुड के शानदार एक्टर डायरेक्टर शेखर कपूर ने ट्विटर पर जब बताया कि उनके पास कार नहीं है और वो आज भी ऑटो रिक्शा से चलते हैं, तो हंगामा मच गया। शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन और मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। शेखर कपूर ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए हाल ही में लिखा था, मेरे पास कार नहीं है, मुंबई में कार रखना बेवकूफ़ी है। एक औसत साइज कार के लिए 6 लाख लीटर पानी लगता है, क्या हमें इस पानी का इस्तेमाल फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। एक फैन ने कहा कि हमें हैरत है कि आपके पास कार नहीं है और रिक्शा इस्तेमाल करते हैं। इस पर शेखर कपूर ने रिप्लाई किया, मेरे पास कार नहीं है इसलिए अक्सर रिक्शे का इस्तेमाल करता हूं। एक फैन ने शेखर कपूर से कहा, सच में आपके पास कार नहीं है? बॉलीवुड की हस्तियों के पास 20 से ज़्यादा विदेशी कारें हैं। इस पर शेखर कपूर ने जवाब दिया, मुझे अपनी सेल्फ एस्टीम दिखाने के लिए 20 विदेशी कारों की ज़रूरत नहीं है। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।